उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम प्राणियों द्वारा शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जैविक प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, तथा इस प्रक्रिया में शामिल अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। कशेरुकीय जंतुओं में उत्सर्जी अंग वृक्क, रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का निष्कर्षण होता है। किडनी से, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इंटेस्टाइन का काम है कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करना। त्वचा, जो तैल ग्रंथियां हैं, स्टेरोल हाइड्रोकार्बन मोम आदि का उत्सर्जन होता है। स्वेद ग्रंथियां, पसीना, पसीने में यूरिया, सोडियम क्लोराइड, जल व लैक्टिक अम्ल की अवांछित मात्रा का शरीर से उत्सर्जन। उत्सर्जन के प्रकार, पहला है अमोनिया उत्सर्जन। इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतया अमोनिया के रूप में होता है। यह उत्सर्जन जलीय कशेरुकी अस्थिल मछलियाँ उभयचर में होता है और इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में होता है। अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। यह उत्सर्जन स्तनधारी मनुष्य मेढक आदि में होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जन, इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। यह उत्सर्जन घोंघा, कीट पतंगे, पक्षी व अनेक सरीसृपों में होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। इसमें कॉर्टेक्स है, मेडुला है, पेल्विस है, अग्र महाशिरा है, अधिवृक्क ग्रंथि है, वृक्क ग्रंथि धमनी है, वृक्क शिरा है, वृक्क है, पृष्ठ महाधमनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। वृक्क सबसे पहले है, किडनी यानी कि प्रत्येक मनुष्य में दो वृक्क होते हैं। यह रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को हटाने एवं रुधिर में उपयोगी पदार्थों की मात्रा बनाए रखने हेतु अनुकूलित होते हैं। किडनी के अंदर का भाग दो भागों में विभाजित रहता है, पहला वलकुट और या फिर कॉर्टेक्स तथा दूसरा मेडुला। प्रत्येक वृक्क लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख लंबी महीन कुंडलित नलिकाओं का बना होता है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इन्हीं में मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क के कार, फंक्शन ऑफ किडनी, यह रक्त में पीएच का नियंत्रण करता है। यह शरीर में पराशरण नियमन द्वारा लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह पोषक तत्वों के जैसे शर्करा अमीनो अम्ल के अधिशेष भाग का निष्कासन करता है। अधिकांश कशेरुकी जंतुओं में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। मूत्रवाहिनी, या प्रत्येक वृक्क के नीचे से एक लंबी पेशी नलिका निकलती है जो मूत्राशय तक जाती है, मूत्रवाहिनी कहलाती है। मूत्राशय, यह एक सफ़ेद नाशपाती के आकार का पारदर्शी झिल्ली होती है जिसमें मूत्र संग्रह होता है। मूत्रमार्ग, यह एक झिल्ली युक्त नलिका है जो मूत्र को बाहर ले जाती है। वृक्क नलिका में रुधिर से छन कर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। मूत्र में अत्यल्प मात्रा में अमोनिया, हिप्यूरिक अम्ल, शीशा अमीनो अम्ल, आर्सेनिक, आयोडीन एवं नाइट्रोजन पाए जाते हैं। लीवर एंजाइमों की सहायता से अप्रयुक्त अमोनिया को अपेक्षाकृत कम हानिकारक यूरिया में परिवर्तित कर देता है। लीवर में मृत आरबीसीज पित्त वर्णक बिलीरूबिन यानी कि और बिलीवर्डिन में रूपांतरित हो जाता है, तो पित्त रस के साथ आंत से होते हुए शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। त्वचा, मनुष्य की त्वचा में तैलीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो दो प्रकार के द्रोहों को त्वचा की सतह पर स्रावित करती हैं। पसीने की ग्रंथियों तथा पसीना तथा सीबेसियस ग्रंथि द्वारा सीबम का उत्सर्जन किया जाता है। पसीने में सोडियम क्लोराइड, लैक्टिक अम्ल, यूरिया, अमीनो अम्ल व ग्लूकोज पाए जाते हैं। फेफड़े, श्वसन क्रिया के दौरान फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उत्सर्जन किया जाता है। वृक्क में पथरी, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है।
मगरमच्छ, सांप एवं पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। अमोनिया मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित सबसे विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ है। मूत्र के साथ विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने से यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। वृक्क मानव शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। मानव शरीर के द्वारा मूत्र के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 15 ग्राम अमीनो अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। वृक्क को पूर्ण उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम वह शारीरिक तंत्र जो विभिन्न अंगों के कार्यों में संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहते हैं यानी न्यूरोलॉजी कहते हैं। नर्वस टिश्यूज मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से निर्मित होती हैं। तंत्रिका ऊतक में दो कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं और ग्लियल कोशिकाएं जो तंत्रिका आवेगों को संचारित करने में मदद करती हैं और न्यूरॉन को पोषक तत्व भी प्रदान करती हैं। तंत्रिका कोशिका नर्व सेल्स या न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन के निम्नलिखित तीन भाग होते हैं कोशिकाकाय साइटोन या तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है जिसमें एक केंद्रक व चारों ओर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त निसिल्स के रंगीन कण होते हैं। वृक्षिकाएँ डेंड्रॉन ये कोशिकाकाय से निकले प्रवर्धी यानी डेंड्राइट्स हैं जिनसे एक से अधिक डेंड्रॉन निकलते हैं। तंत्रिका या एक्सॉन साइटोन से न्यूरिलेमा में बंद लंबा तथा बेलनाकार प्रवर्धी निकलता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संवेदनाएं या संदेशवाहक का कार्य करता है। मानव तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र जो संपूर्ण शरीर में क्रियाविधियों तथा अन्य तंत्रिका तंत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसे शरीर की केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई भी कहा जाता है। यह दो अंग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। मस्तिष्क शरीर एवं तंत्रिका का नियंत्रण एवं निर्देशन केंद्र है। यह संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं को शरीर की प्रतिक्रिया हेतु निर्देशन का कार्य करता है। मानव मस्तिष्क एक कोमल अंग है जो कपाल के भीतर स्थित होता है। मस्तिष्क के चारों ओर मेनिंजेस नामक मस्तिष्क आवरण पाया जाता है। मस्तिष्क के प्रमुख भाग निम्नवत हैं अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन और प्रोजेंस फिलोन। यह मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है जिसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। प्रामस्तिष्क यह बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस एवं स्मरण शक्ति मेमोरी का केंद्र होता है। यह ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण दृश्य संवेदना सर्दी गर्मी स्पर्श व पीड़ा के प्रति अनुक्रियाओं को प्रेरित करता है। डाइएन्सेफलॉन इसी भाग में पीयूष ग्रंथि एवं पिनियल काय होती है। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस इसी के भाग हैं। भूख प्यास ताप नियंत्रण एवं वसा का कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर नियंत्रण रखता है। घ्राणपिंड ऑल्फैक्टरी लोब घ्राणपिंड मनुष्य को सूंघने की संवेदना प्रदान करता है। मध्य मस्तिष्क देखने सुनने तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह दो भाग से बना है। कार्पोरा क्वाड्री जिमिना मध्य मस्तिष्क का यह ऊपरी भाग चार लोबनुमा उभारों से मिलकर बनता है। यह दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है। सेरिब्रल पेंडिकल यह तंतुओं के बंडल जैसी संरचना को मस्तिष्क के मेरुरज्जु से जोड़ता है। पश्च मस्तिष्क यह मानव के मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। इसमें दो मुख्य भाग होते हैं सेरिबेलम सेरिब्रम के ठीक नीचे पश्च भाग में स्थित सेरिबेलम मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसे मेटेनसिफेलॉन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य शारीरिक संतुलन गति नियंत्रण समन्वय तथा ऐच्छिक पेशियों का नियमन करना है। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक बेलनाकार रचना मेरुरज्जु के अंदर फैली होती है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हृदय का स्पंदन रक्तचाप श्वास गति की दर का नियंत्रण प्रतिवर्ती क्रियाओं पाचक रसों का श्रावण मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा ही नियंत्रित होता है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु लंबी खोखली एवं बेलनाकार संरचना है
जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में महारंध्र से निकलकर कशेरुकाओं की तंत्रिका नल से होता हुआ आंत तक विस्तृत रहता है। यह मस्तिष्क से आने वाले एवं मस्तिष्क को जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी एवं क्रियात्मक भागों से जोड़ने वाली धागेनुमा तंत्रिकाएँ परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती हैं। तंत्रिकाएँ दो प्रकार की होती हैं, मस्तिष्क से संबंधित कपालीय तंत्रिकाएँ 12 जोड़ी व मेरुरज्जु से संबंधित सुषुम्नीय तंत्रिकाएँ 31 जोड़ी। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जाता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या हृदय स्पंदन एवं श्वसन दर को बढ़ाता है तथा रक्त दाब को बढ़ाने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों व ग्रंथियों के लिए आपातकालीन परिस्थितियाँ उत्पन्न करके इनके कार्य व स्राव को तीव्र कर देता है। यह हृदय स्पंदन को घटाता है तथा श्वसन दर को कम करता है। यह पाचन ग्रंथियों के श्रावण को भी बढ़ाता है। सर्वप्रथम हाइड्रा नामक जीव में तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ था। तंत्रिका कोशिका में जनन नहीं होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ का प्रयोग क्रमशः हृदय तथा मस्तिष्क के विकार का पता लगाने में करते हैं। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों एवं उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन हेतु एक सुविकसित अंग समूह पाया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस परिसंचरण तंत्र में, जो ओपन परिसंचरण तंत्र है, इस परिसंचरण तंत्र में रक्त कुछ समयांतराल तक रुधिर नलिकाओं में बहने के पश्चात खुले स्थान पर प्रवाहित होता है, जैसे ऑर्थोपोडा एवं मोलस्का जीव में। और बंद सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त प्रवाह बंद नलिकाओं में होता है। ये नलिकाएं सुविकसित अवस्था में होती हैं, जैसे कि कशेरुकी जीवों में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर में बंद एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, जो कि दो अवयवों से बना होता है, रुधिर और लसीका, यानी ब्लड और लिम्फ से। इसी के आधार पर मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के दो उपतंत्रों में विभाजित किया गया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। इसको हृदय संवनी संचरण तंत्र भी कहा जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भाग निम्नवत हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक परिवहन करना है। रुधिर का लाल रंग इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रुधिर क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है। प्लाज्मा। प्लाज्मा रुधिर का 55% निर्जीव भाग है, जो हल्का पीला पारदर्शी एवं चिपचिपा तरल पदार्थ है। इसमें 90% जल, 10% अकार्बनिक तथा कार्बनिक एवं प्रतिरक्षी पदार्थ उपस्थित होते हैं। फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन एवं एल्ब्यूमिन यदि आदि यकृत में बनने वाली प्रोटीन प्लाज्मा के घटक होते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स। रुधिर कणिकाएं रुधिर का 45% भाग होती हैं। ये संरचनात्मक दृष्टि से तीन प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं RBCs, रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स। लाल रुधिर कणिकाएं उभयताल आकार की होती हैं। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इनका विघटन प्लीहा में होता है। इस कारण प्लीहा को लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन अवधि 20 से 120 दिनों की होती है। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊंट एवं लामा की RBCs में केंद्रक पाए जाते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कणिकाएं अनिश्चित आकार की हीमोग्लोबिन रहित तथा केंद्रक युक्त होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स की जीवन अवधि 1 से 4 दिनों की होती है तथा इनका निर्माण अस्थि मज्जा या कभी कभी लीवर एवं प्लीहा में होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। वाइट ब्लड सेल्स में अनेक कणिकाएं जैसे मोनोसाइट्स, इसनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एवं लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। इनमें सर्वाधिक भाग न्यूट्रोफिल्स यानी 70% होता है न्यूट्रोफिल्स। रुधिर प्लेटलेट्स या फिर
थ्रोम्बोसाइट्स रुधिर प्लेटलेट्स गोलाकार रंगहीन एवं केंद्रक विहीन होती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इसकी जीवन अवधि 7 से 10 दिन के मध्य होती है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है। रुधिर का जो मुख्य कार्य है O2 CO2 हार्मोन्स एवं अपशिष्टों का परिवहन करना, बाहरी रोगाणुओं से बचाव करना, टूटी फूटी मृत कोशिकाओं के कचरे या मलबे आदि का वाइट ब्लड सेल्स द्वारा भक्षण कर शरीर की सफाई करना, शारीरिक ताप का नियंत्रण करना, घाव भरने में सहायता करना। मनुष्य के रुधिर वर्ग। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में मनुष्य के रुधिर वर्ग की खोज की थी। रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति है जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। रुधिर वर्ग ए, इसमें एंटीजन होता है ए और एंटीबॉडी होती है बी, और रुधिर वर्ग बी में केवल बी एंटीजन होता है और एंटीबॉडी इसमें ए उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होता है और एंटीबॉडी इसमें नहीं होती है। ओ ब्लड ग्रुप में इसमें एंटीजन दोनों नहीं होते हैं और एंटीबॉडी इसमें दोनों ही होता है। मनुष्य में रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ह्यूमन। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन द्वारा बनता है, इसे एंटीबॉडी कहते हैं। या यदि एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी अनुपस्थित होता है और यदि ऐसी स्थिति में रक्त के आदान प्रदान में ऐसे रक्त वर्ग को मिला दिया जाता है जिसमें एंटीजन एवं एंटीबॉडी समान हो तो तब रक्त का थक्का बन जाता है। यह क्रिया अभिश्लेषण कहलाती है। इस परिस्थिति में रक्त प्राप्त करने वाले की मृत्यु हो जाती है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी रक्त वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इस कारण से इसको सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ए बी वर्ग वाले व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ग्रहण कर सकते हैं, इस कारण इन्हें सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ ओ है तो जो उस संभावित रक्त समूह बनेगा वो ओ बनेगा और असंभावित रक्त समूह जो है ए बी ए बी है। अगर माता या पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए है, माता पिता दोनों का ओ और ए है, तो जो बच्चे का रक्त बनेगा वो ओ और ए हो सकता है लेकिन बी और ए बी नहीं होगा कभी। इसी तरह से ओ और बी है अगर माता पिता का तो बच्चे का ओ और बी होगा, क्या नहीं होगा, ए और ए बी नहीं होगा। ओ और ए बी अगर ब्लड ग्रुप है माता पिता का तो बच्चे का ए और बी हो जाएगा ब्लड ग्रुप, ओ और ए बी कभी नहीं होगा। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है, ए ए है, तो बच्चा ए और ओ हो सकता है, बी और ए बी कभी नहीं होगा। ए और बी है माता पिता तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, बी भी होगा, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यानी सारा हो गया उसमें। ए ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी है माता पिता का तो ए हो जाएगा बच्चा, बी उसका ब्लड ग्रुप बच्चे का ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा या ए बी हो जाएगा और ओ कभी नहीं होगा। बी और बी वाले अगर माता पिता हैं तो उनका बच्चा बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा या ओ होगा, ए और ए बी कभी नहीं होगा। बी और ए बी वाले माता पिता का अगर ब्लड ग्रुप है तो उनका बच्चा जो होगा ए ब्लड ग्रुप का होगा या बी ब्लड ग्रुप का होगा या ए बी ब्लड ग्रुप का होगा, ओ ब्लड ग्रुप का कभी नहीं होगा। और अगर ए बी जुड़ते हैं तो बच्चा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, क्या नहीं होगा, ओ नहीं होगा। आर एच फैक्टर। लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 ईस्वी में
रिसस मंकी में विशेष प्रकार के प्रोटीन के रूप में आरएस कारक की खोज की जो एंटीजन से संबंधित होता है, इसलिए इस एंटीजन का नामकरण आरएस फैक्टर किया गया। हृदय, हृदय वक्ष गुहा में पसलियों के नीचे तथा फेफड़ों के बीच स्थित मुट्ठी की आकार के शंक्वाकार पेशी अंग है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हृदय एक दोहरी झिल्लियों से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। यह बाहरी आघातों से हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। मनुष्य का हृदय चार कोष्ठकों में विभाजित होता है। ऊपरी दो कोष्ठकों को आलिंद कहते हैं। आलिंद दो होते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। आलिंद के ठीक नीचे दो निलय पाए जाते हैं, मतलब मनुष्य के हृदय में चैम्बर चार होते हैं और आलिंद जो होते हैं दो कोष्ठकों को, जो दो कोष्ठक होता है उनको आलिंद कहते हैं। ऊपरी दो कोष्ठों को आलिंद कहते हैं और आलिंद दो होते हैं, एक दायां आलिंद एक बायां आलिंद। आलिंद के ठीक नीचे दो निलय पाए जाते हैं, दायां निलय और बायां निलय। ये है ह्यूमन हृदय। इसमें दाएं छिद्र पर त्रिदलीय कपाट तथा बाएं छिद्र पर द्विदलीय कपाट पाए जाते हैं। रुधिर वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स। मानव शरीर में रुधिर का परिसंचरण जिन नलिकाओं के माध्यम से होता है उन्हें रुधिर वाहिनियाँ या रुधिर वाहिकाएँ कहा जाता है। रुधिर वाहिनियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। धमनियाँ, ऐसी रुधिर वाहिनियाँ जो हृदय के शुद्ध रूप रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं उन्हें धमनियाँ कहा जाता है। धमनियों की दीवारें अपेक्षाकृत मोटी पेशी तथा लचीली होती हैं। फुफ्फुसीय धमनी, सामान्यतः धमनियों से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है किंतु अपवाद के रूप में फुफ्फुसीय धमनी से अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यह दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। महाधमनी, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं निलय से प्राप्त शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाती है। शिराएं, ऐसी रुधिर वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं उन्हें शिराएं कहा जाता है। शिराएं पतली एवं कम पेशीय होती हैं तथा इनमें रक्त के प्रवाह की गति कम होती है। यही कारण है कि शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं जिससे रक्त वापस ना हो सके। सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है परंतु फुसफुसीय शिरा इसका अपवाद है जो फेफड़ों से बाएं आलिंद तक शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। लसीका परिसंचरण तंत्र, रुधिर वाहिनियों एवं ऊतकों के मध्य रिक्त स्थान में एक रंगहीन तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे लसीका कहते हैं। लसीका में आरबीसीज नहीं पाई जाती हैं। लसीका में उपस्थित लसीका वाहिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करती हैं और उनसे शरीर की प्रतिरक्षा करती हैं। लसीका कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का रुधिर तक तथा विभिन्न पोषक तत्वों एंजाइम एवं हार्मोन का परिवहन कोशिकाओं तक करती हैं। लसीका श्रियाओं में कुछ अंतराल पर गांठें होती हैं जिन्हें लसीका गांठें कहा जाता है। फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनाने में तथा एल्ब्यूमिन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षियों के निर्माण में भाग लेते हैं जबकि अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। रक्त बैंकों में संग्रहित रक्त को जमने से रोकने के लिए रक्त में सोडियम सिट्रेट या पोटेशियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है। रक्तदाब के मापन के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हिपेरिन प्रोटीन रक्त को रुधिर वाहिनियों के भीतर जमने से रोकता है। उसके बाद है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी जीव अपने वंश एवं प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन, जब संततियों की उत्पत्ति नर एवं मादा युग्मकों के संयोग के बिना होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसको कायिक जनन भी कहा जाता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के लिए एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीवों तथा जनन अंगों की आवश्यकता होती है जैसे कि स्पंज, हाइड्रा, अमीबा आदि। मानव प्रजनन तंत्र, मानव
जरायुज प्राणी है, इसलिए वह सीधे शिशु को जन्म देता है। मानो एक लिंगी प्राणी है, अतः स्त्री एवं पुरुष का स्पष्ट भेद होता है और उनके जनन अंग अलग अलग होते हैं। नर प्रजनन अंग टेस्टिस। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जिन्हें प्राथमिक नर जनन अंग कहा जाता है। इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण शरीर से बाहर स्थित होते हैं। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। एपिडिडाइमिस। प्रत्येक वृषण में पिछले भाग तथा शुक्रवाहिका के मध्य भाग में एक अत्यंत लंबी कुंडलित नलिका जुड़ी होती है जो कि अधिवृषण कहलाती है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं को परिपक्व करना तथा उसका संग्रहण एवं परिवहन करना है। वैस डिफरेंस। शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका परिपक्व शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय तक लाने का कार्य करती है। सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय एक थैली नुमा संरचना है जो मूत्राशय के नीचे तथा शुक्रवाहिका के किनारे स्थित होता है। अधिकांश वीर्य का निर्माण यही होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि तथा काउपर्स ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय एवं शिश्न के मध्य स्थित होती है तथा काउपर्स ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। मूत्रमार्ग। यह लगभग 8 इंच लंबी पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से शिश्न के शीर्ष तक विस्तृत होती है। यह नलिका मूत्र उत्सर्जन एवं वीर्य स्खलन दोनों कार्य करती है। शिश्न। यह पुरुषों का बाह्य जननांग है जो विशिष्ट प्रकार के स्पंजी ऊतकों से निर्मित होता है। प्रजनन की प्रक्रिया में यही अंग उद्दीप्त होकर स्त्री जननांग यौन में प्रवेश कर मैथुन क्रिया संपन्न करता है। वीर्य एक जैविक तरल है जो नर जननांगों द्वारा निर्मित किया जाता है। वीर्य में शुक्राणु के साथ साथ अन्य तरल पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। मादा जनन प्रजनन अंग। ओवरी। अंडाशय स्त्रियों का प्रजनन अंग है। ये संख्या में 2 होते हैं जो युग्मक का निर्माण करते हैं। अंडाशय का प्रमुख कार्य अंडाणु का निर्माण करना है। अंडाशय से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। अंडवाहिनी। स्त्रियों के शरीर में 2 अंडवाहिनियाँ होती हैं जो गर्भाशय के ऊपरी किनारों से दोनों ओर स्थित अंडाशयों से जुड़ी होती हैं। अंडाणुओं का परिपक्व होना तथा निषेचन का कार्य अंडवाहिनियों में ही संपन्न होता है। गर्भाशय। गर्भाशय एक खोखला एवं पेशीय जननांग है जो स्त्रियों के श्रेणी क्षेत्र में मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित करके उसके विकास के लिए स्थान प्रदान करना है। योनि। योनि स्त्रियों का प्रमुख जननांग है जो गर्भाशय ग्रीवा से शरीर के बाहरी भाग तक विस्तृत होता है। योनि के ऊपरी भाग में एक उभरी हुई अत्यंत संवेदनशील संरचना होती है जिसे भग्नाशय कहा जाता है। स्तन ग्रंथियां। पुरुष और स्त्री दोनों के स्तनों में ग्रंथिल ऊतक उपस्थित होते हैं, परंतु पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में यौनारंभ के पश्चात एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से विकसित होकर स्तनों में परिवर्तित हो जाते हैं। स्त्रियों के स्तनों में विशेष प्रकार की ग्रंथियां और ग्रंथियों का समूह उपस्थित होता है जो दुग्ध का स्राव करने में सक्षम होती हैं। लघु ओष्ठ तथा भग शिश्न। यह 2 अन्य सहायक मादा जनन अंग होते हैं। मानव प्रजनन तंत्र की क्रियाविधि। युग्मक जनन। नर के विषर तथा मादा के अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं जो कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। निषेचन। शुक्राणु तथा अंडाणु के परस्पर मिलने से युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है। भ्रूणीय विकास। अंडाणु के निषेचन के पश्चात गर्भाशय में युग्मनज शिशु का रूप धारण करने लगता है। 10 सप्ताह तक विकसित युग्मनज को भ्रूण कहते हैं और इस प्रक्रिया को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा एमनियान तथा जरायु के द्वारा प्राप्त होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कॉपर्स ल्यूटियम द्वारा किया जाता है तथा इसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं। FSH हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नर एवं मादा दोनों में होता है। नर में FSH शुक्राणु जनन में सहायक होते हैं। LH हार्मोन नर एवं मादा दोनों में स्रावित होता है। मादा में यह अंडोत्सर्ग में सहायक होता है। प्लेसेंटा को गर्म फुफ्फुस कहा जाता है। मनुष्य के शरीर पर बालों का उगना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। महिलाओं में सामान्यतः 40 से 45 वर्ष की अवस्था में मासिक चक्र की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस अवस्था को रजोनिवृत्त कहा जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव अपरा के द्वारा प्रसव के समय किया जाता है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस में शिथिलन उत्पन्न करके शिशु के जन्म में सहायता
करता है। प्रजनन तंत्र संबंधी प्रमुख रोग HIV एड्स, यह एक यौन संचारी रोग है। HIV प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है और व्यक्ति अंततः एड्स से संक्रमित हो जाता है। एड्स का स्थायी उपचार अभी तक संभव ना हुआ। सिफिलिस, यह रोग ट्रिपोनामा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। सिफिलिस से संक्रमित व्यक्ति की मुख गुहा, मलाशय व जननांगों पर घाव हो जाते हैं। संक्रमण अधिक होने पर व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है। सुजाक, यह निशोरिया गोनोरी जीवाणु के कारण होता है। इससे संक्रमित व्यक्ति की मूत्रवाहिनी की श्लेष्मिक झिल्ली में संक्रमण हो जाता है, जिससे उसे तीव्र जलन एवं पीड़ा होती है। अंतःस्रावी ग्रंथ एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती हैं जो सीधे रुधिर में मिश्रित हो जाते हैं। हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। बाह्यस्रावी ग्रंथियां एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर। बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, नलिकायुक्त बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं और ये नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्राव वाहिनियों में करती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावी पदार्थ को सीधे रुधिर में छोड़ती हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथियां स्रावी पदार्थ उसी स्थान पर कार्य करते हैं इनके जहां ये स्रावित होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां इनके स्रावी पदार्थ शरीर में विशिष्ट स्थानों पर पहुँचकर विशिष्ट प्रभाव डालते हैं। हारमोनियम एंजाइम में अंतर। हार्मोन्स, इनका स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। ये रुधिर के माध्यम से अपने कार्यकारी अंगों में पहुंचते हैं और एंजाइम, इनका स्राव बहिःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। ये प्रायः नलिकाओं द्वारा अपनी अपनी लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचते हैं। रासायनिक स्वभाव से ये प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, अमीनो अम्ल, स्टेरॉइड अथवा उनसे भी उत्पन्न होते हैं हार्मोन, जबकि एंजाइम रासायनिक स्वभाव से ये कोलाइडी प्रोटीन्स होते हैं राइबोजाइम छोड़कर, क्योंकि यह कन आरएनए से बना होता है। हार्मोन्स का आणविक भार कम होता है, एंजाइम का आणविक भार अधिक होता है। ये हार्मोन रासायनिक क्रियाओं के पश्चात विघटित हो जाते हैं अर्थात पुनः उपयोग नहीं होते हैं, जबकि एंजाइम रासायनिक क्रियाओं के बाद शेष रहते हैं, अतः इनका उपयोग संभव है। हार्मोन ये उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं, एंजाइम ये रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। पीयूष ग्रंथि, यह मानव शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास एवं वृद्धि आदि को नियंत्रित करती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मटर के दाने के समान होती है जो पुरुषों में लगभग 1.3 सेंटीमीटर व्यास व 0.5 ग्राम की होती है। महिलाओं में यह ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा कुछ बड़ी होती है। इससे 13 प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। थायरॉयड ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती है। दोनों पालियां संयोजी ऊतक के पतली बैंड से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक थायरॉयड ग्रंथि पुटकों और भरड़ ऊतकों की बनी होती है। यह थायरॉयड उत्तेजक हार्मोन का श्रावण करती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन व एमीन प्रकार के होते हैं। यह हार्मोन उपापचय रक्तदाब को बढ़ावा तथा ऊतक वृद्धि के समन्वय का कार्य करता है। उसके बाद है सामान्य घेघा या गलकंड। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिससे गर्दन भी फूलकर मोटी हो जाती है, जिसे घेघा या गलकंड कहते हैं। उसके बाद है जड़ मानवता। यह बच्चों में थायराइड के अल्पश्रावण के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, बच्चे बौने हो जाते हैं। मिक्सोडिमा, यह वयस्कों में थायराइड के अल्पश्रावण के कारण होता है, जिससे व्यक्ति की उपापचय की गति मंद होने लगती है और शरीर का तापक्रम, रुधिर दाब एवं मानसिक वृद्धि भी कम हो जाती है। इससे व्यक्ति कमजोर तथा सुस्त हो जाता है।
हाशिमोटो रोग, इस रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है। इसे प्रति इम्यून रोग या थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। परावटु ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड्स, मानव में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। थायराइड ग्रंथ की पश्च सतह पर स्थित होती हैं। ये थायराइड ग्रंथ की 2 पालियों पर एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पैराथायराइड हार्मोन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं। यह हार्मोन शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के वितरण एवं उपापचय को नियंत्रित करता है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पालीयुक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इस कारण वृद्धों का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। पेनक्रियास, यह ग्रंथि इंसुलिन व ग्लूकागॉन नामक प्रोटीन हार्मोन का स्रावण करती है, जो रुधिर में शर्करा के स्तर को कम तथा बढ़ाने का कार्य करता है। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि प्रकाश पर आधारित जैविक घड़ी का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह ग्रंथि शरीर के सोने जागने के चक्र, तापमान निर्धारण तथा महिलाओं के मासिक चक्र का निर्धारण भी करती है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वसा ऊतकों में वसा संश्लेषण और लाइपोजेनेसिस को प्रभावित करता है। टेस्टिस, वृषण के अंतःस्रावी भाग में कोशिकाओं का एक समूह शुक्राणु उत्पन्न करने वाली नलिकाओं के चारों ओर संयोजी ऊतकों में स्थित होता है। इन कोशिकाओं में उपस्थित लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन स्थापित करती हैं, जो शुक्राणु निर्माण व प्रजनन परिपक्वता में सहायता करता है। ओवरी, मादाओं के उदर के निचले भाग में अंडाशय का एक युग्म होता है। अंडाशय 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक छड़ों को प्रकट करते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन प्रसव में सहायता करते हैं। हाइपोथैलेमस, यह तंत्रिका रचना व अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसमें धूसर द्रव्य के बहुत से पिंड होते हैं, जिन्हें हाइपोथैलेमिक केंद्रिकाएं कहते हैं। इन हाइपोथैलेमिक केंद्रिकाओं के तंत्रिकाक्ष पीयूष ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमिक तंत्रिकाक्ष रुधिर द्वारा अग्र पीयूष ग्रंथि से जुड़े होते हैं और उन ग्रंथियों की कोशिकाओं के स्राव को नियंत्रित करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड, यह एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन नामक एमीन हार्मोन तथा ग्लूकोकार्टिकॉइड मिनरलोकार्टिकॉइड नामक स्टेरॉयड हार्मोन का स्रावण करती है। यह तनाव प्रतिक्रिया, प्रतिरक्षी तंत्र, संकुचन, रुधिरायतन, दाब का, शर्करा का नियमन करती है। उसके बाद है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। जीवों के संदर्भ में उनकी शारीरिक क्षमता, जो किसी संक्रमण विषैले पदार्थों तथा सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, जीवों की प्रतिरक्षा क्षमता तथा प्रतिरक्षा प्रणाली कहलाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली किसी जीव के शरीर में संपन्न होने वाली उन जैविक प्रक्रियाओं का सामूहिक परिणाम है, जो रोग कारक जीवों एवं संक्रमित कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट करती है और उनसे शरीर की रक्षा करती है। एंटीबॉडी गोलाकार प्रोटीन है, जो प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया करके उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं। इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। रक्त में 3 प्रकार के ग्लोबुलिन पाए जाते हैं, जिन्हें अल्फा, बीटा, गामा कहते हैं। संक्रमक रोग, संक्रमक रोग मुख्यतः जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि एवं कवक आदि हानिकारक सूक्ष्म जीवों में उत्पन्न होता है। संक्रामक रोग संक्रमित वायु, जल, भोजन, रोगाणुवाहक कीटों अथवा व्यक्तियों के साथ शारीरिक संपर्क के द्वारा संचारित होते हैं। संक्रमण रोगों के प्रमुख उदाहरण प्रोटोजोआ डिजीज, मलेरिया होता है। इसका जो प्रोटोजोआ कारक है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अमीबियसिस रोग होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण। कालाजार होता है लिस्मैनिया डोनोवानी, बालू मक्खी के काटने से। पायरिया होता है एंट अमीबा जिंजिवेलिसिस से। सोने की बीमारी ट्रिपैनोसोमा होता है। वायरल डिजीज जो होती हैं,
छोटी माता वेरियाला वायरस के कारण खसरा होता है, मोरबिली वायरस के कारण पोलियो होता है, पोलियो वायरस के कारण रेबीज़ होता है, रेबीज वायरस के कारण चेचक होता है, वेरिसेल्ला जोस्टर वायरस के कारण जननांग हर्पिस होता है, हर्पिस वायरस के कारण एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई से, गलसुआ होता है मम्पस वायरस से, जेनाइटल हर्पिस होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से, और डेंगू ज्वर होता है अरबो वायरस से। कवक जनित रोग, रोग जो है एथलीट फुट ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम एपिडमोरफाइटोन से होता है, और खाज जो होता है सरकोप्टस इसके बीज इसका कारक है उससे होता है, दाल जो होता है ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन से होता है, और कृमिजनित रोग जो होता है फाइलेरिया वुचोरेरिया बैंक्रॉफ्टी बुगिया तिमोरी से होता है, टीनियसिस होता है टीनिया सोलियम से, एस्केरियसिस होता है एस्केरिस लुम्ब्री काइडिस से। जीवाणु जनित रोग देखते हैं, बैक्टीरियल डिजीज जो होती है हैजा होता है विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से, और डिप्थीरिया होता है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी से, क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री तथा लेप्रोमेटिसिस जीवाणु से, टिटनेस होता है क्लॉस्ट्रिडियम डियम टिटेनी से, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, प्लेग होता है पास्टुरेला पेस्टिस से, और काली खांसी होता है बॉडी टेला पर्टूसिस से, निमोनिया होता है डिप्लोकोकल्यूमानी से होता है, गोनोरिया या सुजाक होता है निसेरिया गोनोरोई से, सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम से, और ट्रेकोमा या रोहा होता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस से। आनुवंशिकी जेनेटिक, जीवों के ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होते हैं उन्हें वंशानुगत या आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है, उन्हें पैतृक या आनुवंशिक गुण भी कहते हैं, गुणों का संचरण पैतृकों के युग्मकों के द्वारा पीढ़ीगत होता है। जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। वर्ष 1905 में आनुवंशिकी का पारिभाषित शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग विलियम बेटसन द्वारा किया गया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति का मूल सिद्धांत विकसित करके आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी या आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल का आनुवंशिकी का सिद्धांत, ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम एकाकी आनुवंशिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए पदार्थ के रूप में 7 जोड़ी मटर को लिया। मेंडल ने 3 नियम बताए जेनेटिक्स के। प्रभाविता का नियम, यदि 2 विपरीत लक्षणों का संकरण कराया जाए तो पहली पीढ़ी जो लक्षण प्रदर्शित होंगे उन्हें प्रभावी कारक कहा जाता है, तथा जो लक्षण नहीं प्रदर्शित होंगे उन्हें अप्रभावी कारक कहा जाएगा। अब यदि इस पीढ़ी का आपस में स्वपरागण कराया जाए तो अगली पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण प्रदर्शित होंगे, परंतु प्रभावी लक्षणों का अनुपात अधिक होगा। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, कारकों का वह युग्म जो किसी लक्षण को संतति में ले जाता है जनन की किसी अवस्था में विच्छेदित हो जाता है, अर्थात प्रत्येक कारक अलग अलग हो जाता है, अतः यह अगली पीढ़ी में जाने के पूर्व किसी कारक से पुनः युग्म बनाता है, इसीलिए मातृक एवं पैतृक कारक संतति में अपना प्रभाव दिखाता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जब 2 भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः भिन्न होती है, इसमें कारक स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रित हो सकते हैं व नए जीवों का निर्माण कर सकते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण, सभी पृथक लिंगी जीवों में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम्स, इन पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं, इनके प्रत्येक युगल व जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक समान होते हैं, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम, यह गुणसूत्र केवल लिंग निर्धारित करते हैं, नरों में इनका केवल एक जोड़ा होता है और मादा जीवों में दोनों लिंग गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, इन्हें एक्स गुणसूत्र कहते हैं। नर जीवों में दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग आकार के होते हैं, एक गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र जैसा प्रतीत होता है किंतु दूसरा गुणसूत्र अलग होता है, इसे वाय गुणसूत्र कहते हैं। एक्स गुणसूत्र मादा लिंग निर्धारक और वाय गुणसूत्र नर लिंग निर्धारक होता है, अतः मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र और नर में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं।
गुणसूत्रों के कार, गुणसूत्रों पर जीन उपस्थित होते हैं, जीन आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, इनको वंशागत का भौतिक आधार कहा जाता है। गुणसूत्र कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। गुणसूत्र की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन से जीवों में अनेक विभिन्नताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत लैमार्कवाद ने दिया था। यह सिद्धांत 1809 में फ्रांसीसी प्राकृतिक विज्ञानी जेबी लैमार्क द्वारा अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीवों की शारीरिक संरचना एवं व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। परिवर्तित वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने के क्रम में जीवों द्वारा कुछ अंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है तथा कुछ अंगों का कम किया जाता है। इस कारण इनमें कुछ विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जीवों द्वारा अपने जीवन में उपार्जित की गई ये विशेषताएं उनकी संतानों में भी हस्तांतरित होती हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन वाद ने दिया था। ब्रिटिश प्रकृति विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उद्भव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है, अर्थात वर्तमान विश्व की सभी जीव प्रजातियां मूलतः एक दूसरे से संबंधित हैं। डार्विन यह मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई तथा जटिल जैविक संरचना वाले जीवों का विकास एक लंबे समय में अपेक्षाकृत सरल संरचना वाले जीवों से हुआ है। जीवों के विकास की प्रक्रिया में उनमें कुछ आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं जो अगली पीढ़ियों में परिलक्षित होते हैं। इस प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जो जीवों को प्रकृति के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं वे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं तथा शेष परिवर्तन समाप्त होते रहते हैं। प्रकृति द्वारा निर्धारित यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन कहलाती है तथा प्रकृति के अनुकूल बेहतर परिवर्तन वाले जीवों का अस्तित्व में बने रहना योग्यतम की उत्तरजीविता कहलाती है। जेनेटिक डिजीज, वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीने फिल्टर सिंड्रोम, थैलीसीमिया, डाटन्स सिंड्रोम। अब ये कुछ मिसलेनियस है। जैसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को, और जंतु विज्ञान की ये कुछ प्रमुख शाखाएं दी हुई हैं और ये उपशाखाएं हैं। तंत्रिका जो न्यूरोलॉजी होती है वो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करा जाता है उसमें, उसे तंत्रिका विज्ञान कहते हैं। सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। लखनऊ में है NBRI राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान, लखनऊ में है ये। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि शोध संस्थान नई दिल्ली में है। वन शोध संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI लखनऊ में है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जीव विज्ञान का जो था ख़त्म हो गया। 2.5 घंटे में पूरा जीव विज्ञान जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसे एक कंबाइंड वीडियो में कर दूंगी, अभी ये 3 पार्ट में आपको मिल जाएगा, और जब कंबाइंड कर दूंगी तो पूरा एक वीडियो में कवर हो जाएगा, 2.5 घंटे की वीडियो में जीव विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।